हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। योर हिंदी टीचर मिस पाटनी इज हियर। और आज हम हिंदी में वर्ड प और श इनकी रचना सीखेंगे। देखिए, हमारा पहला व्यंजन है प। प जब हम प बोलते हैं तो हमारे होंठ मिलते हैं प प, है ना। प पंख, प पतंग, प पंख, प पतंग। और हमारा दूसरा व्यंजन है श। श षटकोण, श षटकोण, श षटकोण, ना। षटकोण मीन्स जिसके सिक्स साइड्स होते हैं, श षटकोण। तो हम आज इसकी रचना सीखेंगे। तो प पंख के लिए हमें क्या करना है, आपको सेकेंड लाइन ब्लू लाइन से स्टार्ट करना है। ओके, देखिए अब आपको कैसे करना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा डॉट है यहाँ से शुरू करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, ठीक है। और जब ये सेकेंड लाइन को, ब्लू लाइन को क्रॉस कर लेगी, यहाँ से हम थोड़ा सा कर्व करते हुए स्लीपिंग लाइन बना देंगे, छोटी सी बना दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे जो तीनों ब्लू लाइन को भी ज्वाइन करेगी, और ये जो हमें स्लीपिंग लाइन बनाई है इसको भी टच करेगी, लाइक दिस। ओके, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन गया, प पतंग, प पंख, प पपीता। दोबारा देखिए, स्टैंडिंग लाइन जो सेकेंड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करते ही थोड़ा सा कर्व करते हुए स्लीप लाइन बनाएगी, और स्टैंडिंग लाइन के थ्रू इन सबको हम ज्वाइन कर देंगे, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, प पंख। अब देखिए, श षटकोण, श षटकोण भी, बस इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करना है। क्या करना है, कैसे करना है, प पतंग की जैसे ही स्टैंडिंग लाइन जैसे ब्लू लाइन को क्रॉस करेगी, कर्व करते हुए स्लीपिंग लाइन बना देंगे छोटी सी, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, है ना। प पतंग में हमारा इतना प्रोसेस था। अब श षटकोण बनाने के लिए आपने जहाँ से फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन बनाई थी ना, वहाँ से और जो स्लीपिंग लाइन जहाँ पे फिनिश की थी वहाँ तक आपको एक स्लैंट बनाना है, ठीक है। आपने बना दिया, स्लैंट बनाया, अब ऊपर स्लीपिंग लाइन, ठीक है। नाम की स्लीपिंग थोड़ी थोड़ी हुई, इसको सीधा कर देते हैं। श षटकोण, अगेन देखिए, स्टैंडिंग लाइन, कर्व एंड स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हुए एक स्लैंट बना देंगे, और ऊपर स्लीपिंग लाइन बनानी है, ठीक है। आपको ये स्लैंट ऐसे ही बनानी है, अगर आपने अपोजिट साइड बना दी तो बहुत रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम अपनी वर्कबुक में देखते हैं। चिल्ड्रन, ये हमारी वर्कबुक है। वर्कबुक में हमें ओपन करना है पेज नंबर 8383 एंड 8484। ओके, पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड काइंडली मेंशन ऑन बोथ पेजेस टुडेज डेट एंड टेक ऑन द क्लास वर्क फॉर द पेज नंबर 83 एंड फॉर द पेज नंबर 84 टेक ऑन द होमवर्क। ओके, देखिए अब हम प और श, पहले हम इनको डॉट के थ्रू इनको ज्वाइन करके बनाएंगे, फॉर्मेशन सीखेंगे, उसके बाद हम सिंगल डॉट बनाएंगे। तो देखिए, स्टैंडिंग लाइन, कर्व करते हुए स्लीपिंग लाइन, और स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, प पतंग, प पंख, श षटकोण, और श से षट, षट षट यानी सिक्स, है ना। श षट, श षटकोण। तो देखिए अब हम सिंगल डॉट पर बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन, कर्व करते हुए स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और स्लीपिंग लाइन, प पतंग, ठीक है। जब आपका, और जब आप इसको अभ्यास करेंगे इसका, तो आपको परफेक्टली बनाना आ जाएगा, है ना। स्टैंडिंग लाइन, कर्व स्लैंड, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और हमें जहाँ से स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन शुरू की थी वहाँ से लेकर स्लीपिंग लाइन तक हमें स्लैंड लाइन बनानी है, ऊपर स्लीपिंग लाइन, श षटकोण, श षट, षट यानी सिक्स, है ना, और श षटपद, षटपद यानी कि जिसके सिक्स फीट होते हैं, है ना। अब देखिए, फिर देखेंगे, प पतंग, प पपीता, श
षटकोण श षटपद। ठीक है चिल्ड्रन, देखिए चिल्ड्रन अब हम पेज नंबर 184 पे फर्स्ट हम डॉट्स को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हम सिंगल डॉट्स पर करेंगे। पतंग और आपको फॉर्मेशन फॉलो करना है। ठीक है चिल्ड्रन, श षटपद हम सिंगल डॉट पे करेंगे, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन पतंग अगेन देखेंगे, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन श षटकोण के लिए भी और श षटकोण में आपको स्लैंट लाइन जो बनानी है वो बहुत ध्यान से बनानी है। ओके चिल्ड्रन, आपको ऐसे ही ये दोनों पेजेस कंप्लीट करने हैं बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में। ओके, बाय बाय।